वेलकम टू द चैनल। तो आई होप आप टाइटल देख के आई होंगे। तो आज हम बेसिकली जो बात करेंगे दैट इज़ ऑफ करंट अफेयर ऑफ 2024। जस्ट बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। मेरा नाम है अभिषेक और मैंने वेरियस एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं। तो आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, जिस अपने एक्सपीरियंस से मैं चाहता हूँ कि अब आप लोगों की मदद हो कि आप लोगों को पता लगे इस बार CAPF जो 2024 है उसमें कौन कौन से करंट अफेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आई थिंक बेसिकली ये वीडियो हम पार्ट वाइज बनाएंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। पहला इट कि जो एशियन गेम्स हो रहे हैं या जो एशियन गेम्स हुए थे कहाँ पे, हैंगजाऊ में, जो कि आपका पड़ता है चाइना में। वहाँ पर पहली बार इंडिया ने एक हिस्ट्री क्रिएट की है और लगभग 107 मेडल्स जीते हैं। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि इंडिया 100 मेडल्स के जो मार्क है उसको क्रॉस किया है। और तो इसलिए ये जो एशियन गेम्स होते हैं ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और साथ साथ यहाँ पर जो टैली है एशियन गेम्स में हमने कौन कौन से मेडल जीते हैं या किस पर्टिकुलर गेम्स में हमने गोल्ड जीता है, तो वो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको 107 मेडल्स है, क्लियर। उनमें से हमारे लगभग 28 गोल्ड हैं और 28 गोल्ड के बाद आपके अराउंड 38 सिल्वर एंड 41 ब्रॉन्ज है। जब आप इनको देखते हो तो यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर इस बार 2 न्यू स्पोर्ट्स वर एडेड, 2 नए यहाँ पर स्पोर्ट्स को ऐड किया गया है, क्लियर। पहला वाला जो स्पोर्ट्स था दैट इज ई स्पोर्ट्स यहाँ पर पहली बार ऐड किए गए हैं। और नेक्स्ट इज़ ब्रेक डांसिंग। फिर आप लोगों के दिमाग में आएगा सर इस बार तो क्रिकेट भी ऐड हुआ है, तो मैं उसे नया स्पोर्ट्स क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि देखिए क्रिकेट पहले एशियन गेम्स में था, उसको बाद में हटाया गया था, लेटर ऑन इस साल उसको रीइंट्रोड्यूस किया गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं कि जो क्रिकेट है एंड बोर्ड गेम्स है, बोर्ड गेम्स मतलब जो बोर्ड पे खेले जाते हैं। फॉर एग्जांपल चाइना में उसे बोला जाता है गोजियांग, और चेस, ये 2 चीज़ें यहाँ पर री रिटर्न की है। यानी कि क्रिकेट आपका एक तो रिटर्न किया है, फिर 2 तरह के बोर्ड गेम्स यहाँ पर रिटर्न किए हैं जो कि एशियन गेम्स में आए हैं। तो ये रिटर्न आए हैं, क्लियर, रिटर्न बैक हुए हैं। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इनको न्यूली इंडक्ट किया गया है और ये रिटर्न बैक हुए हैं, तो यानी कि ये पहले से थे। तो अगर स्टेटमेंट आता है कि क्रिकेट को न्यूली इंडक्ट किया गया है तो वो स्टेटमेंट गलत होगा, और मुझे लगता है कि इस स्टेटमेंट के बनने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ठीक ठाक है। ओके, कि क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें इंडिया ने गोल्ड भी जीता है, तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जब हम बात करेंगे एशियन गेम्स की, तो एशियन गेम्स में हम यहाँ पर देख लेते हैं इसकी हिस्ट्री क्या है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एशियन गेम्स की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा आपको जानना है। ये हर 4 साल में होते हैं लगभग, हेल्ड इन एवरी 4 ईयर, तो ये आपको याद रखना है। और ये इसका कौन सा एडिशन है, 19th एडिशन है, जो इस बार खेला गया चाइना में। ओके, जो पहला एशियन गेम हुआ था, फर्स्ट एशियन गेम, वो कहाँ पर हुआ था ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज जो इसकी लोकेशन है दैट इज़ इंडिया। ओके, तो इंडिया में हुआ था। और जो इसके बाद वाला है यानी कि 19th एडिशन जो चाइना में हुआ है, इसके बाद वाला जो नेक्स्ट एडिशन है यानी कि 20th एडिशन, वो आपका जापान में होना है। ये आपको ध्यान रखने है कुछ चीज़ें। अब इसका जो मैस्कट है आपको ध्यान रखना है, ऑल्दो मैं इसकी फ़ोटो मैंने डाली नहीं, बट आपको याद रख लेना है। जो इसका मैस्कट है उसका नाम है मेमोरीज़ ऑफ तियांगमन। ओके, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। बाकी इंडिया ने गोल्ड किस किस चीज़ में जीता है तो वो आप याद रख लीजिए। क्या पता ये क्वेश्चन पूछ ले कि एशियन गेम्स जो हुए हैं उसमें इंडिया ने किस किस खेल में गोल्ड जीता है। सबसे पहला तो शूटिंग, इसमें 10 मीटर शूटिंग और 25 मीटर शूटिंग दोनों में जीता है हमने। ओके, उसके बाद आता है क्रिकेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता ही होगा, बोथ मेन्स एंड वुमेन्स दोनों टीम ने जीता है। अच्छा, यहाँ पर ये आपसे पूछ सकते हैं कि जो क्रिकेट था वो किस फॉर्मेट में हुआ था, टेस्ट हुआ था, T20 हुआ था कि ODI हुआ था। तो ये चीज़ का जवाब आप लोग मेरे को दोगे, मतलब अगर आप लोग अवेयर हो स्पोर्ट्स की न्यूज़ से तो आपको पता ही होगा। ओके, नेक्स्ट टेनिस में हम जीते हैं, उसके बाद स्क्वाश का जो गेम होता है उसमें हम जीते हैं। और जो सबसे अच्छा हमारा रहा है वो आपको ध्यान रखना है, दैट इज़ एथलेटिक्स, ठीक है। ये आपका मोस्ट सक्सेसफुल हुआ, सबसे ज़्यादा हमने जो गोल्ड है वो इसी में जीते हैं, क्लियर। चाहे आप स्टीपल चेज समझ लीजिए उसको, या फिर 500 मीटर 500 बोला 5000 मीटर की रेस हो गई, तो इन सब में हमने गोल्ड जीता है। इसमें एक और चीज़ आप याद रख लीजिएगा, शॉर्ट पुट। और शॉर्ट पुट के बारे में याद रखना कि मतलब जितने भी ज़्यादातर इवेंट हो रहे हैं तो उसमें हम जीत ही रहे हैं। तो ये एक होल था कि एशियन गेम्स के बारे में मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ा दिया, फिर इस बार के क्या करंट में इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपका एशियन गेम्स कम्प्लीटली क्लियर हो गया होगा। इनकेस आपको आगे आने वाले किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्टली कमेंट कर देना, या फिर टेलीग्राम चैनल पे भी आप रीच करके पूछ सकते हैं हमसे। तो नेक्स्ट न्यूज़ इज़ लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन अपॉइंटेड एज अ BRO चीफ। तो आई होप आपको पता ही होगा BRO मीन्स बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और उसके जो चीफ बने हैं वो हैं आपके रघु श्रीनिवासन। क्लियर। तो BRO के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। BRO का जो इस्टेब्लिशमेंट है ये कब हुआ था, ये लगभग हुआ था आपका 1960 में। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये किस लिए फेमस है, ये बेसिकली जो बॉर्डर एरियाज़ हैं ओके वहाँ पर रोड्स बनाती हैं, और ये मोस्टली जो आपका मतलब एक्टिव होती है वो होती है नदर्न इंडिया की साइड, बीड JNK उत्तराखंड के, हिमाचल की आप बात कर लो, फिर नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है तो मेनली इन एरियाज़ में ज़्यादा एक्टिव रहती है, क्योंकि वहीं पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कम पहुँचा है। और देखिए जब आप इसकी बात करते हैं बॉर्डर्स की, तो एक पॉइंट जो आता है दैट इज़ ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, ये भी आपको साथ साथ केटर करना चलेगा, बिकॉज यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज। तो मतलब इंटरनल सिक्योरिटी एक ऐसा पॉइंट है जो आपको पता होना ही चाहिए। तो अगर आप बॉर्डर्स की बात करें, मतलब बेसिक चीज़ें हैं बॉर्डर्स, आपको लगभग पता होगा कि कौन से देश के साथ कौन कौन सी स्टेट्स हमारी बॉर्डर रखती हैं। तो उन स्टेट्स में आपको इसके मेजर प्रोजेक्ट्स याद करने हैं कि कौन से स्टेट में उसका कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है। जैसे मैं कुछ हिंट ड्रॉप करता हूँ, जैसे आप याद रख ले सकते हैं जो शिवालिक इसका प्रोजेक्ट चल रहा है वो कौन से स्टेट में चल रहा है। क्लियर। और नॉर्थ ईस्ट के साइड इसके कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अभी हाल ही फिलहाल में इन्होंने बहुत सारे मेजर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, तो उनको भी आप रिसेंट में देख सकते हैं। क्लियर। फिर हम चलते हैं 100% ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस टू JNK। तो ये एक लैंडमार्क चीज़ है जो कि आपका कश्मीर को मिला है। देखिए यहाँ पर आपको तीन कैटेगरीज मिलेंगी। फर्स्ट इज़ ODF, सेकेंड इज़ ODF+ एंड लास्ट इज़ ODF++। ओके ये जो के तीनों स्टेटस हैं कब मिलते हैं इनके बारे में जिक्र करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं ये जो स्कीम है, क्लियर, ये कौन सी पैरेलल स्कीम के अंडर आता है। तो ये आता है स्वच्छ भारत मिशन, और बेसिकली ग्रामीण के अंदर देखिए दो स्कीम्स हैं, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। क्लियर। तो जो ग्रामीण वाला है उसके लिए मिनिस्ट्री फिर अलग हो जाएगी, उसके लिए मिनिस्ट्री हो जाती है रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज। क्लियर। और जो आपका अर्बन वाला है उसके लिए हो जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग। तो ये आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है। तो जब यहाँ पे 100% आपका JNK को स्टेटस मिला है, तो अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ODF क्या होता है। देखिए ODF का बेसिकली टैग तब मिलता है जब कोई भी व्यक्ति ओपन में डेफिकेटिंग करते हुए किसी को भी ना दिखे, मतलब जब सर्वे चल रहा होता है तो ओपन डेफिकेशन का कोई साइन नहीं दिखेगा, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज ODF। फिर आता है ODF+। देखिए अब ODF+ स्टेटस कब मिलेगा, जब देखिए ओपन डेफिकेशन करता हुआ तो कोई ना दिखे, उसके साथ साथ जो पब्लिक कम्युनिटी के टॉयलेट्स हैं वो वेल मेंटेन किए गए हों। ओके, यानी कि आपके जो टॉयलेट्स हो गए या फिर कम्युनिटी एरियाज़ में जो भी आपके टॉयलेट्स वगैरह बनाए गए हैं ना, उनको अच्छे से मेंटेन किया गया हो, सैनिटेशन का ध्यान रखा गया हो, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। फिर ODF++ स्टेटस कब मिलेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये तब मिलेगा जब आप ग्रे वाटर को अच्छे से मैनेज करोगे। देखिए यहाँ पे मैंने एक नई टर्म आपके सामने बोली, दैट इज़ कॉल्ड ग्रे वाटर। अब ग्रे वाटर क्या होता है, हमने तो पानी सुना है कि नॉर्मल पानी होता है, तो अब इसमें ग्रे ब्लैक ये सब क्या होते हैं। तो यहाँ पर जो ग्रे वाटर होता है वो सीवेज वाटर की बात करते हैं, सीवेज या वेस्ट वाटर। तो अगर सीवेज या वेस्ट वाटर को अगर अच्छे से ट्रीट करके यहाँ पर काम में लाया जा रहा है, या उसको जब भी हम किसी भी नदी में ड्रेन कर रहे हैं तो उसके ड्रेन होने से पहले आपने उसको अच्छे से क्या किया हो, ट्रीट किया हो, उसी को बोला जाता है आपका यहाँ पर क्या उसी पर्टिकुलर एरिया को मिलेगा ODF++ स्टेटस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो सीवेज वाटर है वो अच्छे से ट्रीट हुआ होना चाहिए। फिर यहाँ पर आती है नेक्स्ट इज स्वावलंबन स्कीम। ये किसकी है ये आप देखने से ही पता लग रहा होगा, दैट इज़ ऑफ इंडियन। बेसिकली हुआ क्या है, इस स्वावलंबन स्कीम के अंडर आप इंडियन नेवी ने इंडक्ट किए हैं 2 अंडर वाटर वेसल्स, ओके, 2 ऑटोनॉमस वेपनाइज बोट्स ऑन एंड अंडर वाटर वेसल्स। तो ये जो एडिशन हुआ है ये सेकंड एडिशन है इसका, जो कि कहाँ पर हेल्ड हुआ है, न्यू दिल्ली में। तो ये इसके लिए आपको बस ये इसमें इम्पॉर्टेंट डिटेल्स थी। बाकी आपको पता ही होगा कि जो अंडर वाटर वेसल्स होते हैं या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो भी आपके बी इट आपका एयरक्राफ्ट कैरियर हो गया या फ्रिगेट हो गई, इन सब के बारे में आपको हल्की हल्की जानकारी होनी चाहिए। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट इज मोहम्मद मुइज़्ज़ू विन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन मालदीव्स। तो देखिए इन ये जो थे ये एक प्रो चाइनीज़ कैंडिडेट, ये प्रो चाइना कैंडिडेट। कैसे देखिए, जो भी पॉलिटिक्स होती है ना मालदीव्स में, उस दो स्टैंड आपके बेसिकली देखने को मिले थे हमें इस साल, एक तो जो प्रो चाइनीज़ थे, एक जो प्रो इंडियन थे। तो इस बार वहाँ पर दोबारा से रिसर्जेंस ऑफ प्रो चाइनीज़ पॉलिसीज़ को देखने को मिला है हमको आफ्टर द इलेक्शन ऑफ मोहम्मद मुइज़्ज़ू। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इंडिया और मालदीव्स के रिलेशनशिप। देखिए इंडिया मालदीव्स का रिलेशनशिप जो 1965 के बाद से इस्टेब्लिश हुआ है, कि उसी समय मालदीव्स को इंडिपेंडेंस मिली और तभी से इंडिया और मालदीव्स के बीच में एक हेल्दी रिलेशन है। अब मालदीव्स हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, सबसे पहले वो समझ सकते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक पोजीशन। देखिए ये इंडियन ओशन में पाया जा रहा है और साथ साथ इंडिया के पास आता हुआ जो लगभग 75% ट्रेड है और या फिर 60% के अराउंड जो उसकी वैल्यू है। क्लियर, वॉल्यूम में और वैल्यू में दोनों में डिफरेंस होता है। तो लगभग 75% ऑफ जो ट्रेड इंडिया के साथ हो रहा है वो सारा का सारा कहाँ के क्लोज प्रॉक्सिमिटी से होके गुजरता है, तो मालदीव्स के पास से होके गुजरता है। तो अगर मालदीव्स के अंदर कोई भी स्टांस में चेंज आएगा तो डेफिनेटली वो हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों को फ़र्क डालेगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक पोजीशन है इंडिया के लिए। सेकंड, शुरुआत से ही मालदीव्स पार्ट रहा है हमारे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का। तो सबसे पहला तो आपके लिए मतलब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो गई, क्योंकि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आप इस साल के पेपर की तैयारी कर रहे हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है ये किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान हमने स्टार्ट की थी। फिर इसी में आपको एक और पॉलिसी आपको ध्यान रखनी है, दैट इज़ लुक ईस्ट। मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है बट फिर भी आप ध्यान रखना, जैसे लुक ईस्ट, अभी आगे मैं इसको डिस्कस करूँगा। तो आपको ये ध्यान रखना है जो लुक ईस्ट है किसके दौरान आई थी। और नेक्स्ट इज़ एक्ट ईस्ट। अच्छा, ये जो इंडिया मालदीव्स का टॉपिक है ये तो आपके जो पेपर 1 है उसमें तो काम आएगा, साथ साथ आप इसको पेपर 2 में भी प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि कोई भरोसा नहीं, क्या पता आपसे वो इंडिया मालदीव्स रिलेशन के ऊपर एक रिपोर्ट पूछ ले। तो अगर आपको ये सारे करंट इवेंट्स पता होंगे तो आप उस पर अच्छे से लिख पाएंगे, नहीं तो साथ साथ आपसे वो एक ऐसे पूछ सकता है कि गिव अस अ ब्रीफ अबाउट इंडिया मालदीव्स रिलेशनशिप। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी। ओके, नेक्स्ट चीज़ जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मालदीव्स, सबसे पहली चीज़ एसेंशियल सप्लायर है। इंडिया जितने भी एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं भी मालदीव्स के पास जाते हैं या मालदीव्स के मार्केट में मिलते हैं, वो सब उसको कौन सप्लाई करके दे रहा है, इंडिया सप्लाई करके दे रहा है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज असिस्टेंस। इंडिया ने हमेशा मालदीव्स को एट द टाइम ऑफ नीड असिस्टेंट प्रोवाइड करी है। अब वो चाहे आप इसको ऑपरेशन कैक्टस के दौरान समझ सकते हैं, जिसमें कि मालदीव्स में जब कूप का खतरा था, तो वहाँ पर जब कूप होने वाला था तो उस समय इंडिया ने उनको असिस्टेंट दिया था, या फिर ऑपरेशन नीर की आप बात कर सकते हो। ऑपरेशन नीर जब वहाँ पे क्या आया था, वाटर क्राइसिस आया था। तो ये 2-3-4 चीज़ें आप कोट कर सकते हो कि भैया हमने उनको कूप में भी सपोर्ट किया, फिर हमने वाटर क्राइसिस जब उनके वहाँ पर आया तो वहाँ पर भी उस समय भी हमने उनकी मदद करी। एंड नेक्स्ट इज टूरिज्म। देखिए ये बात आपको माननी पड़ेगी कि जो मालदीव्स की पूरी इकोनॉमी है लगभग 80-90% सिर्फ टूरिज्म पे डिपेंड है। और अगर हम बात करें 2021 और 2022 तो दोनों सालों में जो इंडिया के टूरिस्ट हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ गए हैं, आपका मालदीव्स गए हैं। मतलब मालदीव्स का जो टोटल टूरिस्ट का इनबाउंड है ना, उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज अगर कहीं की पॉपुलेशन की है तो वो इंडिया की है। तो बेसिकली हम यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मालदीव जो कि एक टूरिज्म डिपेंडेंट कंट्री है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कहाँ के जा रहे हैं, इंडिया के जा रहे हैं। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। फिर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, तो वो सबसे पहले है जो मिलिट्री एक्सरसाइज है तो एक्यूवरिन, जो कि इंडिया और मालदीव्स की आर्मी के बीच होती है। फिर इसी में एक और एक्सरसाइज है दोस्ती और एकता एंड एकता। ये 3-4 मिलिट्री एक्सरसाइज हैं जो आपको याद रखनी है। क्लियर, आई होप ये आपको याद रहेंगी। नेक्स्ट इसमें मेजर चैलेंजेस है क्या क्या जो इंडिया के लिए खतरा है, कि अगर मैं बात करूं पेपर 2 की, तो पेपर 2 में आपको लिखना पड़ सकता है ये। तो वहाँ के लिए आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहला तो एक इंडिया आउट कैंपेन वहाँ पर चल रहा है। अब ये जो इंडिया आउट कैंपेन वहाँ पे चला है, ये बेसिकली क्यों चला है, क्योंकि इंडिया एक मिलिट्री बेस वहाँ पर इस्टेब्लिश कर रखा है, जो कि इंडिया ये बोलते हैं कि हमारे जितने भी मर्चेंटाइज के शिप्स आते हैं, जो ट्रेड होता है उसकी प्रोटेक्शन के लिए है। साथ साथ हम जो मालदीव्स है वहाँ की भी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ एक तो इंडिया आउट कैंपेन चला है। साथ साथ वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, तो प्रो चाइना इन्फ्लुएंस वहाँ पर हो रहा है, ठीक है, प्रो चाइना स्टांस लिया जा रहा है, जिसमें कि चाइना है वो उसको अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ जोड़ना चाहता है। अब डायरेक्टली तो नहीं जोड़ पाएगा, बट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो मैरीटाइम रूट है उसमें वो मालदीव्स को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है और इंडिया चाइना रिलेशनशिप। क्लियर। फिर नेक्स्ट आता है इंडोनेशिया ने लॉन्च की है फर्स्ट साउथ ईस्ट एशिया हाइड स्पीड रेल बाय द बैकिंग ऑफ चाइना। अब मैं बाय द बैकिंग ऑफ चाइना क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुआ है, जो भी यहाँ पर मेन कंपोनेंट्स यूज़ हुए हैं, वो ट्रांसफ़र किए गए हैं बाय चाइना। तो चाइना ने ये बनाने में इनकी बहुत हेल्प की है। तो आपको ध्यान रखना है, हाई स्पीड अगर ट्रेन की बात करेंगे तो इंडिया में भी कुछ ट्रेन्स हैं जो बहुत हाई स्पीड पे चलती हैं, या उनको हम प्रायोरिटी ट्रेन्स बोलते हैं। जैसे कि फर्स्ट इसमें हो जाती है आपकी अभी के टाइम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ वंदे भारत। ओके। फिर इसमें आ जाती है राजधानी। ये कुछ ट्रेन्स हैं जो आपको याद रखनी है। शताब्दी एक्सप्रेस हो गई। तो ऐसे ही आपका इंडोनेशिया ने जो लॉन्च किया है दैट इज़ दी हाई स्पीड ट्रेन। ओके। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे, सुधा मूर्ति जी को मिला है ग्लोबल इंडियन अवार्ड। अब ये बीच में बहुत फेमस होने लग गई थी, मतलब ऑलरेडी ये फेमस है, आफ्टर दिस न्यूज़ ये और भी ज़्यादा फेमस हुई है, क्योंकि ये पहली वुमेन बनी है जिन्हें ग्लोबल इंडियन अवार्ड मिला है। ओके। और ये जो ग्लोबल इंडियन अवार्ड इन्हें दिया गया है वो कैनेडा की एक ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने इन्हें सम्मानित किया है, ये आपको ध्यान रखना। साथ साथ जब सुधा मूर्ति जी की बात करेंगे तो इनके जो हस्बैंड है नारायण मूर्ति, के बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। वो कौन है, वो है इन्फोसिस के फाउंडर। ओके। और इन्फोसिस बीच में न्यूज़ में भी आया था जब उन्होंने आपका वर्किंग डेज है ना, उनको बढ़ाने की बात करी थी। तो एक टॉपिक आप यहाँ से भी लिंक कर सकते हैं पेपर 2 का। ये जो मतलब टाइम को, एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि 5-day वीक की बात करें, और दूसरी तरफ जो नारायण मूर्ति जी का कमेंट आया था कि हमें टाइम और बढ़ाना चाहिए। ओके। तो इन दोनों के बीच में जो डिबेट चल रही है, तो उसके बारे में आप एक अच्छे से टॉपिक तैयार कर सकते हो। मतलब नो डाउट आजकल क्योंकि UPSC थोड़े से फिलोसफिकल ऐसे ज़्यादा पूछ रहा है। फिर आता है IAF इज गोइंग टू इंडक्ट अस्त्र BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। ये कैसी मिसाइल है, ये एयर-टू-एयर मिसाइल है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। ऑलरेडी जो अस्त्र है उसके बहुत सारे वेरिएंट, यानी कि MK-1 एंड MK-2 वेरिएंट ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट हो चुके हैं, जो कि बनाए गए हैं बाय द DRDO। ओके। DRDO क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्लियर। तो ये DRDO के द्वारा बनाए गए हैं। ओके। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये एयर-टू-एयर मिसाइल है, और इस बार के पेपर में मुझे ऐसा लगा है कि ये जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है ना, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि अभी मैं आगे आपको बताऊंगा एक इसराइल का, ठीक है, डिफेंस सिस्टम, ऊपर से एक पेट्रियट जो डिफेंस सिस्टम है वो अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में आया, क्योंकि उसमें रेगुलरली अगर आप न्यूज़पेपर कंटिन्यूसली पढ़ रहे होंगे तो रोज़ कोई ना कोई आर्टिकल इन चीज़ों के बारे में आ ही जाता है। और फिर रशिया यूक्रेन वॉर तो साथ में चल ही रहा है, और इसराइल हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इन सब में ये जो मिसाइल्स हैं या एयर डिफेंस सिस्टम है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गए। इनके बारे में एक अच्छा सा टॉपिक आप अच्छे से बना लेना, एक A4 पेपर लेना जिसमें अलग अलग कंट्रीज़ के डिफेंस सिस्टम आप तैयार कर लीजिएगा। हालांकि मैं उसको बना के लाया हूँ, तो आप चाहें तो उसमें से भी देख के बना सकते हैं। फिर इंडिया की जो टीम है उन्होंने जीता है SAAF चैम्पियन, जो कि कहाँ पर हुई है, नेपाल में हुई है, तो ये आपको ध्यान रखना। और हाल फिलहाल में ही जो ये बीच में हमारे कैप्टन ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम है, आई होप आपको सबको इनका नाम पता ही होगा, इन्होंने रिटायरमेंट भी लिया है, ठीक है। और ये बहुत सक्सेसफुल फुटबॉलर हैं, तो आपको इनके बारे में भी पढ़ लेना है। क्या पता अगर स्पोर्ट्स की पर्सनैलिटी से जब सवाल पूछेंगे तो ये एक व्यक्ति मुझे लगता है जिन पे मस्ट आस्क क्वेश्चन एक बन सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सुनील छेत्री जी के बारे में आपको पढ़ना है, साथ साथ ये याद रखना है कि SAAF हम जीत चुके हैं, ओके। फिर आता है PM स्वानिधि, इसने लगभग 50 लाख जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको क्रॉस किया है। अभी जो 50 लाख बेनिफिशरीज़ हैं, इसका क्या फ़ायदा है, इसका मतलब ये स्कीम किस काम आती है वो समझ लेते हैं। देखिए स्वानिधि में स्ट्रीट वेंडर्स की बात हो रही है यहाँ। तो स्ट्रीट वेंडर्स की बात में हम क्या कर रहे हैं कि आफ्टर द COVID-19, क्लियर, जब COVID-19 ख़त्म हुआ था तो लगभग ये स्कीम लॉन्च करी गई थी 1 जून 2020 के लगभग में, जिसमें कि जितने भी जो स्ट्रीट वेंडर्स थे, क्योंकि पोस्ट COVID-19 उनके पास काम नहीं था और उनको इमीडिएट क्रेडिट की ज़रूरत थी, तो उसको माइक्रो क्रेडिट पहुंचाने के लिए जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए ये स्कीम को लॉन्च किया गया था, ताकि लगभग कितने, शुरुआत जब हुई थी तब 10,000 था, अभी ये बढ़ के 50,000 रुपीज़ तक हो चुका है। तो अगर किसी ने ये स्कीम पहले पढ़ी थी तो उसको याद होगा कि 10,000 रुपीज़ मिलते थे इसमें, अब इसका जो एम्बिट है उसको बढ़ा दिया गया है, तो लगभग आप 50,000 तक के माइक्रो क्रेडिट आप यहाँ से अवेल कर सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें है, ये क्या है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, क्लियर, सबसे आपको ध्यान रखना है। और सॉरी, स्पॉन्सर्ड नहीं है ये, सेंट्रली सेक्टेड है, दोनों में फ़र्क होता है। तो ये सेंट्रली सेक्टेड स्कीम है और ये जो लॉन्च की गई थी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स के द्वारा लॉन्च की गई है। तो ये आपको कुछ चीज़ें अच्छे से याद रखनी है। यही कुछ पॉइंट होते हैं जो आते हैं, इस्टेब्लिशमेंट की डेट, लगभग कितना क्रेडिट इसमें मिल रहा है, किस तरह की स्कीम है और कौन सी मिनिस्ट्री से लॉन्च कर रही है, तो ये आपको इसमें अच्छे से याद करते हुए चलना है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको इसमें याद रखनी है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें जो क्रेडिट आपको मिल रहा है दैट इज़ विदाउट कोलेट्रल मिल रहा है, तो ये इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर जो स्कीम में पैसा मिल रहा है दैट इज़ विदाउट एनी कोलेट्रल, ओके, बिना कोलेट्रल के आपको यहाँ पे पैसा मिल जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं GI टैग के बारे में, एक सेकेंड, ओके, फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे GI टैग के बारे में। आई होप आप सबको पता होगा जो GI टैग हमारे इंडिया में मिलता है, पहली बात तो कौन सी मिनिस्ट्री देती है, ये आपके लिए क्विक क्वेश्चन हो गया। अगर आप लोग मतलब मेरी बातें सुन रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है लेक्चर, तो कुछ क्वेश्चंस का जवाब आप भी दीजिए। बताइए जो GI टैग होता है ये कौन देता है, ठीक है। तो अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है आपको इसके बारे में पढ़ना चाहिए, ठीक है। मैं आपको चार मतलब आप लोग इसमें एक काम करिएगा, उसको फाइंड आउट करिएगा, तब वापस से आके कमेंट करिएगा, कि जब आप ये सब चीज़ें करोगे ना तो आपका इंटरेस्ट बन जाएगा लेक्चर में। और जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट आ जाता है ना, वो चीज़ हम कभी भूलते नहीं है। ये भी एक मेरी वन ऑफ द ट्रिक थी थ्रू आउट माई प्रिपरेशन, कि मैं किस तरीके से याद करता था चीज़ों को, उनको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करता था, ठीक है। ऑल दो ये टॉपिक्स इतने सारे हैं कि आप चाह के भी हर किसी को इंटरेस्टिंग नहीं बना सकते, बट या जो रिपीटेटिव नेचर का है, जैसे GI टैग कौन सी मिनिस्ट्री है तो कभी भी पूछ सकता है, तो चीज़ों को आप इंटरेस्टिंग बना लीजिए। तो अभी हाल फिलहाल में पश्मीना जो शॉल है, जो कि कहाँ का है, JNK का है, इसको GI टैग मिला है। साथ साथ आप अगर यहाँ पे बात करेंगे, अरुणाचल में एक तरीके आप ये बोल सकते हो स्वीट होता है, याक चुरपी, ये किससे बनता है, याक मिल्क से बनता है, ओके। तो ये जो है याक चुरपी अरुणाचल प्रदेश की, इसको भी GI टैग मिला है, क्लियर। इसका जो एक्ट है वो कब आया था, 1999 आया था, ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर CRPF आपको पता है वन ऑफ दी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज है, जिसमें आप में से कई लोग जाएंगे आगे चल के, तो उसमें क्या किया गया है, एक ऑल वुमेन बाइक एक्सपीडिशन निकाली गई है, जो कि कहाँ से शुरू हुई है, ये शुरू हुई है आपकी श्रीनगर से, और कहाँ पे जाके ख़त्म होगी ये? गुजरात में जाके ख़त्म होगी। तो ये ऑल वुमेन बाइक एक्सपेडिशन है, क्लियर। ये बेसिकली है, इसका नाम क्या है? यशस्विनी। इसका जो नाम है वो क्या है? यशस्विनी। बेसिकली ये क्यों करा जा रहा है? देखो सबसे इम्पोर्टेंट CRPF में एक तो वीमेन अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, मतलब अवेयरनेस इन द सेंस कि और ज़्यादा महिलाओं को मोटिवेट करने के लिए कि वो आगे जाके ज्वाइन करें, ठीक है, CRPF को। तो एक तो वो मुहिम चलाई गई है, साथ साथ लोगों को अवेयर कराने के लिए कि CRPF का काम क्या होता है, कि मोस्टली जो गांव वगैरह में लोग रहते हैं उनको इतना नहीं पता होता। तो बेसिकली इंडियन आर्मी के बारे में पता होता है, इंडियन एयरफोर्स के बारे में, देनो इंडियन नेवी के बारे में उन्हें पता होता है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के बारे में वो बहुत कम जानते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस, और साथ साथ यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी या फिर ठीक है जेंडर पैरिटी लाने के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन जो हो वो CRPF को एज देयर करियर ऑप्शन चुने। तो इन सब चीज़ों के लिए काम किया जा रहा है, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुई हुई एक मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका कि नाम है एक्सरसाइज संप्रीति। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या होती है? एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। अच्छा, ये हर साल होती है, और पिछले साल ये कहाँ पर हुई थी? ये बांग्लादेश में हुई थी। इस साल जो ये हुई है ये इंडिया की एक सिटी में हुई है, इज़ इन मेघालय, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ पर हुई है? मेघालय के अंडर हुई है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारी जो आती है दैट इज़ टर्मरिक बोर्ड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बनाने वाला है? एक टर्मरिक बोर्ड बनाने वाला है। आपने ऑलरेडी टी बोर्ड के बारे में तो इंडिया के सुना ही होगा, तो उसी के बिल्कुल रेफरेंस में लेके हम न्यू टर्मरिक बोर्ड बनाएंगे। तो अब देखिए टर्मरिक न्यूज़ में हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम पढ़ लेते हैं जो टर्मरिक है ये मेनली उगाया कहाँ जाता है, कौन से स्टेट्स में उगाया जा रहा है इंडिया में, ओके। तो सबसे पहले जो आपको याद रखना है दैट इज़ इन तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में उगाया जा रहा है, मध्य प्रदेश, ओके, उड़ीसा, बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, क्लियर। इसमें एक चीज़ और ऐड कर लेना कि आपको ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे उगाया जाता है, ठीक है। एज़ पर माई नॉलेज आंध्र प्रदेश जो एक स्टेट है वहाँ पर सबसे ज़्यादा टर्मरिक उगाया जाता है, बाकी फिर भी आप चेक कर सकते हैं, ओके। इसको एक बार अपडेट कर लेना, क्योंकि जब मैंने याद किया था मुझे तब का याद है कि आंध्र प्रदेश में वो उगाया जाता है सबसे ज़्यादा। फिर इंडिया क्या है? इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ओके। इंडिया क्या है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, एंड साथ साथ कंज्यूमर भी इंडिया ही है सबसे ज़्यादा। तो ये आपको दो पॉइंट याद रखना है, क्योंकि टर्मरिक बोर्ड की टेक्निकल डिटेल्स वो भी आपसे नहीं पूछेंगे, बना ही नहीं है, बनाने जा रहे हैं, ठीक है। वो टर्मरिक आपसे पूछ सकते हैं, और टर्मरिक के बारे में ये दो पॉइंट आपको जरूर याद रखना है, क्लियर। और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में लगभग लगभग इंडिया कितना परसेंट शेयर लेता है? 60%, ठीक है। तो लगभग लगभग 62% जो टर्मरिक है वो हम सबसे ज़्यादा बना रहे हैं। फिर हम बात करते हैं बुरेवेस्टनिक। ये क्या है? रशिया की एक नई मिसाइल है, ओके, जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट है पुतिन साहब, उन्होंने बोला था कि अगर रशिया यूक्रेन वॉर ज़्यादा चलता है, और ये एक न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है। तो अब न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल और नॉर्मल मिसाइल में क्या फ़र्क होता है? देखिए, जब आप मिसाइल की बात करते हैं ना तो उसमें पेलोड डाला जाता है। अगर उसमें नॉर्मल पेलोड डाला जा रहा है तो दैट इज़ नॉन न्यूक्लियर, बट अगर उस मिसाइल को कंपैटिबल बना दिया गया है और कैरिंग न्यूक्लियर पेलोड, तो फिर वो क्या हो जाएगी? न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल हो जाएगी, ओके। इसकी जो रेंज है बहुत ज़्यादा है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है अनलिमिटेड। देखिए अनलिमिटेड तो कुछ नहीं होगा, बट हाँ इसकी रेंज थोड़ी ज़्यादा है, और फ्लाइट इसकी है लगभग लगभग इतनी इसकी स्पीड रहती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। साथ साथ ये क्या होती है? ग्राउंड से लॉन्च होती है और लो फ्लाइंग है। ये दो इंपॉर्टेंट याद आपको पॉइंट रखने हैं, क्या? ग्राउंड लॉन्च एंड लो फ्लाइंग, मतलब ये ज़्यादा एल्टीट्यूड गेन नहीं करती, तो इसीलिए इसको इंटरसेप्ट करना भी थोड़ा सा मुश्किल होगा, ओके। तो फ्लाइट एल्टीट्यूड इसका देख लो 25 से 100 मीटर तक ही है, तो 100 मीटर तो ज़्यादा कुछ है भी नहीं, ठीक है। तो लो फ्लाइंग ये एक तरीके से मिसाइल है, और इसको जो नेटो होता है वो क्या नाम दिया है नेटो ने इसको? स्काईफॉल, ठीक है जी। तो नेटो इसको किस नाम से जानता है? स्काईफॉल के नाम से जाता है। अच्छा, जब नेटो की बात आई है तो जरा बताओ मेरे को फिर से एक और छोटा सा क्वेश्चन, बहुत मासूम सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए। जो नेटो है वो कौन सी ट्रीटी से बना है? ठीक है, तो ये आपको एक क्वेश्चन है, सवाल है। अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हैं और आपको सही में अच्छे लगे हैं करंट अफेयर, प्लीज़ इनको कमेंट जरूर करना कि ये आपके ही काम आएगा। ओके, एग्जाम में जब आप बैठोगे तो जितनी चीज़ें आप प्रिपेयर करके बैठोगे उतना आपके काम आएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सी ट्रीटी है जिससे नेटो बना था, कब बना था और कितने मेंबर्स हैं। अच्छा, रिसेंटली उसमें कुछ क्या बोलते हैं उन कंट्रीज़ को, नॉर्वेगियन कंट्रीज़ भी ऐड हुई हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ आई थिंक कुछ ऐड हुई हैं, तो उनके भी नाम आप याद रख लेना। तो जो भी उसमें रिसेंट मेंबर ऐड हुए हैं वो याद रखना है। ओके, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं ई कैबिनेट। तो नॉर्मल कैबिनेट तो हमको पता ही है क्या होता है। ई कैबिनेट क्या होता है? देखिए, अगर जितने भी कैबिनेट डिसीजन होते हैं वो क्या हो जाएँ, पेपरलेस हो जाएँ। ओके, तो उसको वो रिफ़र कर दिया जाता है एज ए ई कैबिनेट। मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके अब जो कैबिनेट के डिसीजन होंगे ना वो लिए जाएंगे। और ये कहाँ पर हुआ है? ये त्रिपुरा में हुआ, और ये पहली बार नहीं हुआ है। त्रिपुरा ऐसा फोर्थ स्टेट है, यानी कि इससे पहले भी 3 स्टेट हैं जिन्होंने ये ऑलरेडी कर चुका है। तो फर्स्ट स्टेट कौन था आपका? उत्तराखंड था, फिर यूपी, क्लियर। तीसरा स्टेट था अरुणाचल प्रदेश, एंड फोर्थ स्टेट वुड बी योर त्रिपुरा। ये आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। तो ई कैबिनेट सबसे पहले किसने लॉन्च किया था? उत्तराखंड ने लॉन्च किया था। तो ये चीज़ें अगर आपको याद रहेंगी तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि इसराइल ने स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर किया है। अब क्यों? क्योंकि देखिए जो हमास है, ठीक है, आई होप आप सबको पता होगा हमास के बारे में। ठीक है, ये जो हमास है ये किसका एक तरीके से एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एजेंसी है, हम बोल सकते हैं ईरान की है। ठीक है, ईरान ही इसे बैक करता है। तो ये जो हमास है उसने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। ठीक है, तो इस ऑपरेशन के तहत इन्होंने लगभग 5000 मिसाइल्स इस पे लॉन्च की है, इसराइल के ऊपर लॉन्च की थी, जिसको कि इसराइल ने अच्छे से इंटरसेप्ट करके और अपनी टेरिटरी को बचा लिया। तो दैट इज़ अनदर पार्ट ऑफ स्टोरी। बट आपको ध्यान रखना है कि हमास ने अलक्सा फ्लड जो ऑपरेशन है वो लॉन्च किया, उसके अगेंस्ट में इसराइल ने क्या कर दिया, स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। यानी कि अब नाउ दीज बोथ दी पार्टीज वर इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों की दोनों पार्टीज़ क्या होंगी, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ गई। तो ये आप अच्छे से याद रखेंगे। बाकी इसराइल के बारे में प्राइमरी पॉइंट्स तो आपने इतने सारे पढ़ लिए होंगे कि अब आपको ज़रूरत नहीं है। हमास के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना, और कौन कौन से ऐसे ही आउटफिट हैं, टेरर आउटफिट हैं, जैसे लेबनान में आपका एक यूज़ होता है हिजबुल्ला। ठीक है, ये हो गया। हूती, आप पढ़ सकते हो हूती रेबल्स कहाँ पर है। ओके, तो इस तरह के आप टेरर आउटफिट्स की बात कर सकते हो। ये जो हमास है ये कहाँ पर वर्क कर रहा है, ये गाज़ा में वर्क कर रहा है। ठीक है, हिजबुल्ला कहाँ पे वर्क कर रहा है, लेबनान में कर रहा है, और हूती आपके लगभग यमन की साइड आपके वर्क कर रहे हैं। ये आपको ये तीनों चारों आप टेरर आउटफिट्स याद कर रख सकते हैं। इनमें अगर और भी होंगे तो और भी आपको खोज के याद करने हैं। ठीक है, मैं बस आपको गाइड कर रहा हूँ क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है एग्ज़ाम के लिए। फिर आता है कीनियन मैराथन रनर किप्टुम, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। ये एक छोटी सी न्यूज़ है स्पोर्ट्स सेक्शन की, आप याद कर सकते हैं। ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? केनिया से बिलोंग करते हैं। ओके, और ये कौन से मैराथन में दौड़ रहे थे? ये लंदन मैराथन में दौड़ रहे थे जब इन्होंने इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि डिजिटल इंडिया एक्ट जो कि लॉन्च किया है अभी अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इसने रिप्लेस किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के कई सारे सेक्शंस ऐसे थे जो बहुत बार कॉन्ट्रोवर्सीज में आए हैं। जैसे उसका एक सेक्शन था 61 और एक सेक्शन था 66। ठीक है, जो कि जितनी भी एजेंसीज थी इनको ताकत देता था कि अगर आपने किसी भी सोशल मीडिया पे कुछ भी एनीथिंग अगेंस्ट द स्टेट लिखा है तो आपको डायरेक्टली एक्ट के अंडर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इस तरह के कुछ सेक्शंस थे जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहे हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर बेसिकली ये जो डिजिटल इंडिया एक्ट है, इसका मेन काम क्या है वो आप समझ लीजिए। इसका जो मेन काम है वो है हमारी ऑनलाइन सेफ्टी। अब किस तरीके से करेगा उसके बारे में जो भी गाइडलाइंस है वो गवर्नमेंट खुद निकालेगी। सेकंड, इसका मेन काम है कि ट्रस्ट एंड अकाउंटेबिलिटी। देखिए आपको ये याद नहीं रखने, बट इसको आप यूज़ कैसे कर सकते हैं, तो मान के चलिए डिजिटलाइजेशन को लेके या डिजिटल इंडिया को लेके कोई भी सवाल आता है या आगे एआई के बारे में कोई भी सवाल आता है, तो आप इन सब पॉइंटर्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इन सब पॉइंटर्स को यूज़ करके आपका अपना एसे या आर्ग्यूमेंट राइटिंग या रिपोर्ट राइटिंग आप बना सकते हैं। क्लियर। साथ साथ ये क्या कर रहा है, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन की बात कर रहा है। आई होप आपको पता होगा कि एक डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन के लिए एक कमीशन भी बनाया गया था, वो आपको अच्छे से याद करके। फिर नेक्स्ट जो आपकी न्यूज़ है दैट इज़ एनुअल जॉइंट HADR एक्सरसाइज जो कि करी गई है। ठीक है, ये हुई कब थी, 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसको नाम दिया गया है चक्रवात। ठीक है, क्या नाम दिया है इसमें, चक्रवात नाम दिया है। और इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारी कंट्रीज़ भी इसमें शामिल है। ठीक है, जैसे ये आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के यहाँ पे फ्लैग हैं, साथ साथ इंडिया के ही वेरियस ऑर्गेनाइजेशन इसमें, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इंडियन एयरफोर्स का फ्लैग आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, मतलब लोगो दिख रहा होगा। तो यहाँ पर क्या है, इंडियन फोर्सेज है यहाँ पे, तीनों की तीनों फोर्सेज। ठीक है, साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेज, ओके, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं यहाँ पे, NGO हैं और सिविल सोसाइटीज़ हैं। तो ये सब यहाँ पर आपके आते हैं और एक साथ कोलैबोरेट करते हैं। जैसे आप देख सकते हो पिकी भी है, इनकॉइज है यहाँ पे, NDRF है। तो ये सब जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज़ हैं। अच्छा, इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं या फिर ये समझ लीजिए इसको जो कंडक्ट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बेसिकली इंडियन फोर्सेज़ पे होती है और रोटेटरी बेसिस पे होती है। तो इससे पिछले साल जैसे इंडियन आर्मी ने इसको करा था, तो इस साल ये जो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये किसके ऊपर आई है, इंडियन नेवी के ऊपर आई है। तो इस साल इसको कंडक्ट कौन कर रहा है, इंडियन नेवी कंडक्ट करा रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर, रोटेटरी बेसिस पे आती है ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो रोटेटरी होती है अमंग द इंडियन फोर्सेस। क्लियर। फिर आती है नेक्स्ट श्रेष्ठ स्कीम। ये जो श्रेष्ठ स्कीम है ये किसके द्वारा चलाई गई है, ये चलाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। ये आपको याद रखना है। अच्छा, ये बेसिकली है किसके लिए, जो भी SC स्टूडेंट्स हैं, ओके, उनके लिए क्या हो सके, उनके लिए रेसिडेंशियल स्कूल्स के बनाने के लिए है ये। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ऑलरेडी कई सारे स्कूल्स के टाइप पढ़े होंगे, जैसे नवोदय हो गया, जवाहर नवोदय, राजीव नवोदय। ठीक है, तो नवोदय स्कूल हो गया यहाँ पे। फिर ऐसे ही कुछ रेसिडेंशियल स्कूल्स आप याद कर सकते हैं, जैसे सैनिक स्कूल हो गया, RIMC हो गया। तो ये सब जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल है ना, रेसिडेंशियल स्कूल होता है, मतलब जहाँ पर बच्चे एक तरीके से रहते भी हैं। मतलब हम तो क्या होते थे, जो मोस्टली लोग होते हैं वो कैसे स्कूलों में गए होंगे कि सुबह गए शाम को आ गए। ठीक है, रेसिडेंशियल स्कूल में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर आप जाते हैं तो आप 3-4 महीने वहीं रुकते हैं, एजुकेशन भी करते हैं, साथ साथ रहते भी वहीं हैं। तो ये सिर्फ पर्टिकुलरली किन के लिए है, फॉर दी SC स्टूडेंट, जो SC तबके से बिलोंग करते हैं उन बच्चों के लिए। ये आपको ध्यान। क्लियर। फिर हम बात कर लेते हैं इसरो के बारे में। तो इसरो ने लॉन्च किया है अपना गगनयान। ओके, गगनयान का पहला टेस्ट इन्होंने कर लिया है जो कि सक्सेसफुल हुआ है। तो ये एक बहुत लैंडमार्क चीज़ है। अब इसमें आपको ध्यान क्या रखा है, चीज़ें रखनी है। सबसे पहला तो कौन सा इसमें लॉन्च व्हीकल यूज़ हुआ है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कौन से लॉन्च व्हीकल इसमें यूज़ हुआ है, क्योंकि हर साल इस पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इस पर आपको याद रखना है GSLV MK-3, जिसको कि एक और नाम से जानते हैं हम, बाहुबली। ठीक है, तो बाहुबली के नाम से भी हम जानते हैं। लगभग 8000 kg का पेलोड, मैक्सिमम लिमिट है उसकी, 8000 kg का पेलोड आई थिंक उठा सकता है, समथिंग अराउंड दैट। ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसमें इन्होंने किया क्या है गगनयान में, सबसे पहले तो टेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गगनयान 2 अर्थ ऑर्बिट में जाएगा। आपको ध्यान रखना है 3-4 तरह के आपके ऑर्बिट होते हैं। सबसे पहला तो होता है लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। इसकी जो हाइट होती है वो कहाँ से शुरू होती है, 100 किलोमीटर से लेके 200 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर तक आपका जो भी एरिया रहता है अबव द अर्थ सरफेस वो रहता है आपका लो अर्थ ऑर्बिट में। अच्छा, बेसिकली जितनी भी आपकी, ये बोल सकते हैं आपकी स्पाइंग सैटेलाइट हो गई, ठीक है, स्पाइंग सैटेलाइट होगी, या जो क्लोजली ऑब्जर्व करती है रिमोट सेंसिंग वाली जो सैटेलाइट्स होती हैं, ओके, जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होती हैं वो ज़्यादातर आपके लोअर ऑर्बिट में ही रहती हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आता है आपका मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ये लगभग 2000 से लेके आपका 36,000 किलोमीटर तक का जो भी एरिया रहता है कराते हैं। जो मेन एरिया होता है दैट इज जियोस्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, इसमें बेसिकली कौन सी सैटेलाइट जाती हैं जो जियोस्टेशनरी या जियोसिंक्रोनस टाइप की सैटेलाइट होती हैं, ओके। ये लगभग आपका 36,000 किलोमीटर का रहता है। तो यहाँ पर आपकी जो सैटेलाइट होती हैं वो होती हैं टेलीकम्युनिकेशन, वेदर मॉनिटरिंग, तो इस तरह की सैटेलाइट्स आपके यहाँ पे रहती हैं। ये 3 तरह के ऑर्बिट हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, जो हमारा इंटरनेशनल मतलब पूरी दुनिया का ही स्पेस स्टेशन है वो कहाँ पर है, आपका लोअर ऑर्बिट में, ठीक है। ये लगभग आपका 300 किलोमीटर पे जाके बैठा हुआ है, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पर आपको इसके बारे में याद रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे गगनयान का जो क्रू है, हमारे गगन नॉट्स तो बोला जाएगा आगे चल के, ठीक है। तो कौन कौन है, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। तो इन 4 लोगों में से आपके लगभग 3 लोग सेलेक्ट होंगे जो पहले आपके गगनयान मिशन में जाएंगे, ओके। ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो अभी यहाँ पर ये तो पहला फेज़ हुआ है जिसमें क्रू एस्केप टेक्नोलॉजी की हमने बात करी है। वे क्या होता है कि इनके मतलब इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग तो क्रू को कैसे एस्केप कराया जाएगा। तो उसमें क्या होगा, जो क्रू का जो कॉकपिट होता है ना सैटेलाइट का, वो डिसअसेंबल हो जाएगा और अपने आप बाहर आ जाएगा, ओके। तो अभी इन्होंने किसको चेक किया है, क्रू एस्केप सिस्टम को इन्होंने अभी यहाँ पे चेक किया है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। साथ साथ आगे चल के इन्होंने यहाँ पर एक रोबोट है जिसका नाम है व्योम मित्र, उसको भी यूज़ करेंगे ये। अच्छा, इसको बोला जाता है एंड्रो ह्यूमनॉइड रोबोट। ये क्या है, एंड्रो ह्यूमनॉइड रोबोट है। एंड्रो ह्यूमनॉइड रोबोट मतलब बिल्कुल जो ह्यूमंस होते हैं ना उनकी तरह इसको डिज़ाइन किया गया है, यानी कि जो पॉइंट्स ह्यूमन स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, जैसे कि अगर हाई प्रेशर होगा तो उस समय ह्यूमन किस तरीके से बिहेव करेगा, क्या क्या उसको दिक्कत आ सकती है, तो इन सब चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए इस रोबोट को डिज़ाइन किया गया है। इसका नाम है व्योम मित्र। तो आगे चल के इनको यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, दैट इज़ नेशनल गेम्स। ये कहाँ पर हुए हैं आपके, ये हुए हैं आपके गोवा में, ठीक है। 37वें नेशनल गेम्स थे, ये आपके गोवा में हुए हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसका जो ऑफिशियल मैस्कॉट है इसका नाम है आपका मोगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मोगा, यानी कि इंडियन बाइसन, ओके। फिर यहाँ पर इनके जो ऑफिशियल स्पॉन्सर्स हैं वो कौन है, वो है पेटीएम। तो मेनली आपको यही ध्यान रखना है नेशनल गेम्स के बारे में। इसके बाद जो है ऑपरेशन अजय, अब ये कौन सा ऑपरेशन है, देखिए इसके बाद भी कई सारे ऑपरेशन इसके साथ साथ अभी आप देख रहे होंगे। इसराइल में कौन सा वॉर चल रहा है, इसराइल हमास वॉर चल रहा है, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, थोड़ी सी तनातनी चल रही है। तो वहाँ से जितने भी इंडियन नेशनल्स थे या इंडियन सिटीजन्स थे उनको वापस लाने का काम किया जा रहा है अंडर ऑपरेशन अजय। ऐसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वेरियस ऑपरेशन इन दी पास्ट टाइम चलाए हैं, तो उन ऑपरेशंस को भी हम एक बार देख लेते हैं। जैसे एक था ऑपरेशन गंगा, ठीक है। ये जो ऑपरेशन गंगा है ये कहाँ के लिए था? ये रशिया और यूक्रेन के लिए था। ओके, मेनली यूक्रेन के लिए आप बात कर लो। फिर आता है ऑपरेशन कावेरी। ये कहाँ से लाया गया है? सूडान क्राइसिस जो अभी हाल फिलहाल में हुए हैं। फिर आता है ऑपरेशन देवी शक्ति। ओके, ये कहाँ से आए हैं? अफगान से। ये कुछ रिसेंटली जो 4-5 ऑपरेशन चलाए गए हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इवैक्यूएट इंडियन नेशनल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगली न्यूज़ की। तो जो यूपी स्टेट है उसने डिक्लेयर करा है गैंगेटिक डॉल्फिन को एज देयर स्टेट एक्वेटिक एनिमल। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में और उसका IUCN स्टेटस। तो इसका जो IUCN स्टेटस है दैट इज एंडेंजर्ड। ओके, ये आपको अच्छे से याद रखना है। साथ साथ ये क्या होते हैं डॉल्फिन के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे ये सिर्फ कहाँ पे रह सकती हैं? फ्रेश वाटर में रहती हैं। ठीक है, डॉल्फिन जो ये गैंगेटिक डॉल्फिन है, मैं सभी डॉल्फिन की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको सॉल्टी वाटर या फिर आप उसको ब्रैकिश वाटर की बात करें तो आपको एक तरह की डॉल्फिन मिलती है जिसका नाम है हीरावड़ी डॉल्फिन। और आपकी जो चिल्का लेक है इंडिया में, ठीक है, उड़ीसा के आसपास, और वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे कुछ ब्रैकिश वाटर डॉल्फिन है। तो मैं सिर्फ अभी इधर पे जो पॉइंट लिखवा रहा हूँ वो किसके लिखवा रहा हूँ? गैंगेटिक वाटर डॉल्फिन के लिखवा रहा हूँ, क्योंकि गैंगेटिक वाटर आपका क्या है? फ्रेश वाटर है। क्लियर। साथ में इनकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ये ब्लाइंड होती हैं, तो ये नेविगेट कैसे करती हैं? ये अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू नेविगेट करती हैं। ये मैमल्स होती हैं, तो मैमल्स की तरह ही इनके पास लंग्स होते हैं, ध्यान रखना, गिल्स नहीं होते इनके पास। तो इनको बार बार सतह पे आना पड़ता है, हर कुछ 2 या 3 मिनट में इनको सतह पे आना पड़ता है ताकि वो ब्रीद कर सके। ठीक है। और साथ साथ आपको मैं बता दूं कि जो नेशनल गंगा रिवर डॉल्फिन डे मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर। गंगा रिवर डॉल्फिन डे, ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। साथ साथ इसके आप एक जगह के बारे में और याद रख लेना, विक्रमशिला, जो कि कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी? जो कि आपको देखने को मिलेगी बिहार के आसपास वाले इलाके में। ओके, तो ये बेसिकली गैंगेटिक वाटर डॉल्फिन के स्टडी करने का जो इंस्टीट्यूट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट हम बात कर देते हैं जो उदयपुर सिटी है उसको डिक्लेयर किया है एज अ फर्स्ट वेटलैंड सिटी। अब आप सोचेंगे कि वेटलैंड तो बहुत सारे हैं, तो फर्स्ट इसमें क्या है? वेटलैंड सिटी पहली ऐसी सिटी है जिसको वेटलैंड ही डिक्लेयर कर दिया गया, मतलब नॉट पर्टिकुलरली दैट टाइप ऑफ वेटलैंड, वेटलैंड डिक्लेयर कर दिया गया है कि ओके इस सिटी में बहुत सारे वेटलैंड है, तो इस पूरी सिटी को हम एक वेटलैंड सिटी ही डिक्लेयर कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, ठीक है। ऑलरेडी विश्व में लगभग अभी कितनी साइट्स हैं? 42 साइट्स हैं जिनको वेटलैंड सिटी डिक्लेयर करा जा चुका है, पर इंडिया की ये पहली है। ओके, तो इसलिए ये खास हो जाता है। उदयपुर सिटी आपको पता है कहाँ पर पड़ेगा? राजस्थान में पड़ेगा। अच्छा, उदयपुर को हम एक और नाम से जानते हैं दैट इज सिटी ऑफ लेक्स। क्लियर। ऐसे ही कई सारी सिटीज़ को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे पिंक सिटी आप एक सुना होगा, सिटी ऑफ पैलेसेस सुना होगा। ओके, तो ऐसे ही सिटी ऑफ लेक्स इसको जाना जाता है उदयपुर को। अच्छा, ये जो डिक्लेयर किया गया है ये कौन से कन्वेंशन के अंडर किया गया है? रामसर कन्वेंशन के अंडर किया गया है, तो ये आपको जानना है। ये साइन कब किया गया था, कहाँ पे किया गया था? ईरान में साइन किया गया था, क्योंकि रामसर ईरान की एक सिटी है। लगभग 1971 के अराउंड इसको साइन किया गया था। अभी हाल फिलहाल इंडिया में टोटल कितने वेटलैंड है? रिसेंट जो वेटलैंड ऐड हुए हैं उनके बाद इनका जो नंबर है 80 के अराउंड चला गया, तो लगभग 80 साइट्स हैं जो कि रामसर के अंदर आती हैं। फिर यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है वो हम कब मनाते हैं? 2 फरवरी। ठीक है, 2 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? हमारा वर्ल्ड वेटलैंड डे। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं, मैं ट्राई करके आया हूँ कि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको कम से कम समय में मिल जाए उतना अच्छा है। अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा टाइम लग रहा है तो 1.5 की स्पीड में आप इसे सुन सकते हैं। फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इशू किया है अरेस्ट वारंट अगेंस्ट दी पुतिन। तो हमको यहाँ पे थोड़ा सा आईसीसी के बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है। जो आईसीसी है इस्टेब्लिश किया गया है रोम स्टैट्यूट के द्वारा। ओके, कब साइन किया गया था इसको? 1998 के लगभग में। और अभी इसमें कंट्रीज़ कितनी है? टोटल 120 कंट्रीज़ में हैं। ओके, ये किन किन चीज़ों पे मेनली फैसला लेता है? तो अगर कोई क्राइम हुआ है जिसमें कि जेनोसाइड देखने को मिले, वॉर क्राइम हो रहा है, यानी कि वॉर के दौरान कोई क्राइम हो रहा है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट कोई क्राइम हो रहा है, या क्राइम ऑफ एग्रेशन। तो अगर कोई कंट्री दूसरी कंट्री पे क्या कर रही है? एग्रेशन कर रही है। तो इन्होंने वॉर क्राइम और एग्रेशन के पॉइंट पे पुतिन जी के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाल दिया। अब यहाँ पर क्या होता है, क्या ये बाइंडिंग रहता है? देखो बाइंडिंग है, समवट बाइंडिंग भी है, समवट बाइंडिंग भी नहीं है। अगर अब इससे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, तो जो रशियन प्रेसिडेंट है, अब ये किसी भी ऐसी कंट्री में नहीं जा सकते जो कि आईसीसी का ये रोम स्टैट्यूट है उसको साइन कर रखा है और रेक्टिफाई कर रखा है, क्योंकि अगर ये वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पर इनको क्या, मतलब उस कंट्री के ऊपर कंपल्शन है कि उसको पुतिन को अरेस्ट करना पड़े। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। इंडिया के बारे में अगर बात करें तो इंडिया इज़ नॉट पार्टी, इंडिया इज़ नॉट अ पार्टी टू दिस स्टैट्यूट। ओके, पुतिन साहब आराम से इंडिया आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जो आईसीसी है ये यूएन की कोई भी ऑर्गन का पार्ट नहीं है। इसके कंपैरेटिवली एक और कोर्ट चलता है, दैट इज़ आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे कि हेग कन्वेंशन से बनाया गया था। तो ये उससे अलग है। वो क्या होता है, वो एक प्राइमरी पार्ट है, मतलब प्राइमरी ऑर्गन है यूएन का। आईसीसी वैसा कोई भी ऑर्गन नहीं है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर हम बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, तो इंडिया की जो रैंकिंग है वो इस बार स्लिप हो गई है, अराउंड एंड अराउंड 111 पे पहुँच गए हम। पिछले साल हम 107 पे थे, तो इस बार हम और ज़्यादा डिप किए हैं। टोटल कंट्रीज़ ही इसमें कितनी है? 125। सोचिए 125 कंट्रीज़ हैं, उनमें से हम 111 पोजीशन पे आ रहे हैं। दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड फिगर फॉर इंडियाज़ इमेज। अब इसको जो लॉन्च करा जाता है वो किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? कंसर्न वाइल्ड लाइफ के द्वारा, और साथ साथ वेल्टेल हंगर लाइफ, दो NGO हैं जो इसको लॉन्च करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है आपकी अमेज 28, बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क चीज़ है। क्यों? क्योंकि ये पहली ऐसी बिल्डिंग है जिसको कि 3D प्रिंट किया गया है। और कहाँ पर है ये? केरला में है। मतलब इस बिल्डिंग को एज इट इज़ प्रिंट करा गया है, मतलब ये बनाई नहीं गई है जैसे नॉर्मली बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, इसको एज इट इज़ प्रिंट किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पर ये? केरला के अंदर है। ठीक, फिर आता है इसराइल का। तो मैंने बोला था मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस बार बहुत न्यूज़ में, आपको ये याद रखना है। तो अभी हाल फिलहाल में जो न्यूज़ में आया दैट इज़ आयरन बीम। ओके, इसी को हम आयरन स्टिंग भी बोलते हैं। ये दोनों याद रखना है, आयरन बीम नाम भी याद रखना है, आयरन स्टिंग नाम भी याद रखना है। ओके, इसमें मैं बता देता हूँ इसकी खासियत क्या है। ये एक लेज़र बेस्ड, एक सेकेंड में, तो न्यू लेज़र बेस्ड ये जो सिस्टम है ये कैसा है? एक लेज़र बेस्ड सिस्टम है। ओके, यानी कि लेज़र से ये मार्क करेगा, ओके कौन सा एनिमी कंट्री का प्लेन आ रहा है, और फिर उस हिसाब से ये अपना एक्शन लेगा। यहाँ पर एक तो आपने ये याद कर लिया। फिर आप याद कर लीजिए इसराइल के कई सारे जो डिफरेंट उन्होंने डिफेंस सिस्टम लगा रखे हैं। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आयरन डोम, जो इस बार बहुत ज़्यादा काम आया। जो अभी मैंने आपको ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड बताया, उसमें जो मेन काम या जो मेन वर्क था वो आयरन डोम सिस्टम का ही था, उसको क्या बोलते हैं, और उस अटैक को रोकने में। क्लियर? फिर दूसरा यहाँ पर इन्होंने जो यूज़ कर रखा है दैट इज़ एरो 3, एरो 2, एरो 3 एंड डेविड स्लिंग। तो ये जो भी चारों के चारों मैंने लिखे हैं किसके हैं? ये इसराइल के हैं। फिर हम बात कर लेते हैं यूएसए की। यूएसए का एक इम्पॉर्टेंट है थर्ड, ठीक है। दूसरा यहाँ पर इनका जो है पेट्रियट सिस्टम है। फिर अगर मैं बात करूँ रशिया की, S-400, S-300, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यही दो हैं। फिर ईरान के पास भी अपना डिफेंस सिस्टम है। तो ईरान भी न्यूज़ में है, तो उसका भी सुन लीजिए। इसका है खुर्दाद, ओके, और बावर 373। ये आपको दोनों ध्यान, ये दोनों किसके हैं? ईरान। ओके, नेक्स्ट है साइक्लोन तेज और साइक्लोन हमून। ये साइक्लोन अलग अलग सीज में आए हैं। जैसे ये जो साइक्लोन तेज है ये तो कहाँ पे आया है? अरेबियन साइड आया है। ये जो साइक्लोन हमून है ये कहाँ पे आया है? बे ऑफ बंगाल में आया है। क्लियर। अच्छा, ये जो साइक्लोन तेज है इसका नाम किसने रखा है? ये इंडिया ने दिया है। ओके जी। और जो आपका ये साइक्लोन हमून है इसका नाम किसने दिया है? ईरान ने दिया है। आई होप आपको पता होगा नेमिंग किस तरह से होती है। तो जो आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हैं। जिस ग्रुप में इंडिया है उसमें अभी कितनी कंट्रीज हैं? 13 कंट्रीज हैं। ये क्या करती हैं? लिस्ट ऑफ नेम देती हैं। ओके, उन्हीं लिस्ट ऑफ नेम्स में नाम को ऑन द रोटेटरी बेसिस सेलेक्ट किया जाता है और उस साइक्लोन को, अच्छा, एक बार जिस साइक्लोन को जो नाम पड़ गया उसके बाद उस नाम को दोबारा यूज़ कभी नहीं किया जाता। ये आपको ध्यान। फिर नेक्स्ट इज युवा संगम। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम है, क्लियर, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये किस इनिशिएटिव का पार्ट है? एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो ये इनिशिएटिव याद रखना है हमारा, एक भारत, और वही होगा क्या? श्रेष्ठ भारत। तो इस इनिशिएटिव के अंडर इस स्कीम को लाया गया है। बेसिकली इसमें कई सारी मिनिस्ट्रीज़ क्या कर रही हैं? कोलैबोरेट कर रही हैं। अब कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज़ में कोलैबोरेट कर रही हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहली जो मिनिस्ट्री है दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ओके, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पे काम हो रहा है। फिर आता है होम अफेयर्स। ओके, नेक्स्ट इज कल्चर, टूरिज्म, रेलवे, ओके, यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। ये कुछ मिनिस्ट्रीज हैं जो इसमें क्या कर रही हैं? भाग ले रही हैं। इनका मेन काम क्या है? किन किन सेक्टर को ये टच करना चाह रहे हैं? तो सबसे पहला इनका काम है टूरिज्म को टच करना। ओके, टूरिज्म के बाद इनके दूसरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज ट्रेडिशन। यूथ में ट्रेडिशन के बारे में उनको अवेयर करना कि हमारे कौन कौन से कल्चरल ट्रेडिशनल रहे हैं, तभी तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का काम है। फिर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट करना है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट पीपल टू पीपल कनेक्ट करना, और लास्ट इज टेक्नोलॉजी। तो इन 5 पिलर्स पे ये पूरी की पूरी स्कीम खड़ी हुई है। ओके, नेक्स्ट इज हैदराबाद टू होस्ट सेकंड एडिशन ऑफ ई ग्रैंड प्रिक्स। तो मतलब हैदराबाद में जो ग्रैंड प्रिक्स का स्टेडियम है, स्टेडियम बोल सकते हैं, या फिर जो भी रोड वहाँ पर बनी हुई है, उसके साथ जो ग्रैंड प्रिक्स है वो वापस से इंडिया में आ रहा है, क्योंकि वो बंद कर दिया गया था बिकॉज ऑफ लो रेवेन्यू। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो ग्रैंड प्रिक्स होते हैं लगभग क्या होते हैं? तो ध्यान रखना है आपको कि एक साल का पूरा सीज़न होता है, ठीक है, और एक सीज़न में मिनिमम 8 ग्रैंड प्रिक्स तो होने ही चाहिए ताकि हम उसको सीज़न बोल सकें। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना। फिर यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट न्यूज़, जो मैक्सिकन वर्स्टापेन है, इन्होंने मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट न्यूज़ में है उसके बारे में जान लेते हैं। इनके बारे में भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, इन्होंने ये मतलब एक विनिंग स्ट्रीक पे चल रहे हैं। अभी ये जिस कंपनी से मतलब रेस करते हैं वो है रेड बुल। इससे पहले हम मर्सिडीज से करते थे, ठीक है। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो ग्रैंड प्रिक्स किसने जीते हैं वो आपको ध्यान रखना है। उसमें मोस्ट फेमस है लुइस हैमिल्टन। ये आपको 2 नाम याद रखने हैं, मैक्स नाम और लुइस हैमिल्टन नाम, क्लियर। ये दोनों बहुत लेजेंडरी प्लेयर्स हैं, तो आपको ध्यान रखना है इन दोनों के बारे में। नेक्स्ट इज यूएन ने डिक्लेयर किया है, मतलब यूएनडब्ल्यूटीओ ने डिक्लेयर किया है धुरोदो विलेज, जो कि गुजरात में पड़ता है, उसको एज अ बेस्ट टूरिज्म विलेज डिक्लेयर किया है। तो ये एक सिंपल सी न्यूज़ है जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट न्यूज़ इज मिलान एक्सरसाइज। आपको पता ही है इंडिया करवाता है इसको। मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है जो कि विशाखापट्टनम में हुई है इस बार। ओके, तो ये जगह याद रखना कहाँ पर हुई है? विशाखापट्टनम में हुई है। इस बार इनिशिएटिव किसका था? ये इंडियन नेवी का था। तो ये आपको ध्यान रखना है। बेसिकली नेवल एक्सरसाइज ही है ये। ओके अच्छा, मिलान एक्सरसाइज में क्या करते हैं, हम बाहर की कंट्रीज़ को बुलाते हैं, जिससे कि हमारे इंडिया की दो पॉलिसीज़ को बूस्ट मिलता है। पहली तो लुक ईस्ट पॉलिसी, मैंने ऑलरेडी बोला है आपको, आपको चेकआउट करना है कि किसने दिया था लुक ईस्ट पॉलिसी। दूसरा सागर इनिशिएटिव, ठीक है। तो इन दोनों पॉलिसीज़ के बारे में आपको पढ़ना है। फिर नेक्स्ट इज इंडियन नेवी को मिला है उसका थर्ड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, जिसका नाम है INS इम्फाल। ओके ये आपको ध्यान रखना है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका INS इम्फाल। ओके इससे ये जो बनाया जा रहा है, ये एक प्रोजेक्ट के अंदर बनाया जा रहा है जिसे बोला गया है प्रोजेक्ट 15B, और इसमें ऑलरेडी दो INS ऐड हो चुके हैं, जिसमें से कि पहले का नाम था INS विशाखा और INS और मुगो, ठीक है। INS विशाखापट्टनम और INS और मुगो। जब आप इसको पढ़ ही रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा, ये एक प्रोजेक्ट और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है जिसका नाम है प्रोजेक्ट 17A। क्यों इम्पोर्टेंट न्यूज़ में है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोगों ने 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनाई है, ठीक है, जिनके के नाम है कावेरी, करंज, कलारी, ठीक है। तो आपको 6 की 6 का नाम है आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने प्रोजेक्ट उद्भव लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट का बेसिकली एम क्या है, ताकि जो हमारी इंडियन आर्म फोर्सेज है वो मॉडर्नाइज तो हो रही हैं, बट उनके साथ साथ जो हमारे कल्चरल सिक्योरिटी, मतलब जो हमारे इंडियन एंशिएंट टेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल जैसे कालिदास, कालिदास ने कौन सी बुक लिखी है, ठीक है। एक तो कालिदास की बुक हो गई, दूसरा आपका जो हो गया विष्णुगुप्त, एक सेकंड, इसमें कालिदास की बुक का जिक्र नहीं है, विष्णुगुप्त की बुक का जिक्र है, ठीक है। विष्णुगुप्त कौन सी, अर्थशास्त्र। तो उसमें भी इंडिया के जो चैलेंजेस हैं उसके बारे में बताया गया है कि कैसे उनको टैकल कर सकते हैं। तो उन्हीं सब इन्फॉर्मेशन को विद दी अ ब्लेंड ऑफ मॉडर्निटी हम यूज़ करेंगे, ताकि आगे जाके हमारे जितने भी सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उनसे हम निपट सकें। ओके और ये जो हुआ है ये कोइंसाइड हुआ है विद दी इंडियन मिलिट्री फेस्टिवल। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्या, इंडियन मिलिट्री फेस्टिवल। इसका फर्स्ट एडिशन हुआ है और कहाँ पर हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इंडियन मिलिट्री फेस्टिवल और प्रोजेक्ट उद्भव में क्या किया जाएगा, जो भी हमारी एंशिएंट नॉलेज है उसको यूज़ किया जाएगा विद द मॉडर्निटी, ताकि हम अपने जितने भी सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उनको टैकल किया जा सके। फिर नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहिर। किसने लॉन्च किया है, ये तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ताकि जो नीलगिरी ताहर है उसको सेव किया जा सके। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, बाय द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। ओके सेकंड चीज, ये जो नीलगिरी ताहर है इसका IUCN स्टेटस क्या है, ये एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है, ओके और ये बेसिकली मिलती कहाँ पे है, सदर्न इंडिया के पार्ट में मिलती हैं, और कौन कौन सी स्टेट में मिल रही हैं वो आप समझ लीजिएगा। आपका तमिलनाडु के आसपास मिल रही है, केरला, कर्नाटका और थोड़ा बहुत एरिया ऑफ तेलंगाना, ठीक है। अच्छा जब आप नीलगिरी पढ़ते हो तो आपको एक नाम याद आना चाहिए, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए इसी तरीके से पढ़ाई होती है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कनेक्ट करके, तभी पढ़ाई आसान होती है। मैंने बोला ना, इंटरेस्टिंग बनाओ यार। 1 घंटा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और अब मेरे को पता है सब बोर हो रहे होंगे, तो फिर चीज़ों को इस तरीके से लिंक करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ये कौन कौन से स्टेट में फैला हुआ है, ये तमिलनाडु में फैला हुआ है, ये कर्नाटका में है, ये केरला के आसपास है। ये हमारा क्या था, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व कब डिक्लेयर हुआ था, ये 1986 के लगभग में इसको डिक्लेयर किया गया था। अच्छा, अब आपका एक छोटा सा सवाल, या आपके लिए एक छोटा सा सवाल और एक छोटा सा होमवर्क। इसमें जितने भी नेशनल पार्क्स हैं, यूपीएससी की आदत है बच्चों, ये सवाल मैं बोल सकता हूँ कि रिपीटेडली पूछा गया है। अब आपके ऊपर है, आप अपना 2 नंबर पाना चाहते हो कि खोना चाहते हो। थोड़ा सा, बस थोड़ी सी मेहनत की बात है। बायोस्फीयर रिजर्व के जितने भी नेशनल पार्क है उन सबको याद कर लो और कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो फटाफट, ठीक है। नेक्स्ट इज सीबीआई ने चलाया है एक ऑपरेशन चक्र, जो कि वो ऑलरेडी लॉन्च करे चुके थे पहले से, उसी का 2nd फेज इन्होंने चलाया है। तो इसमें हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा अबाउट सीबीआई। जो चक्र है वो बेसिकली किस लिए था? साइबर सिक्योरिटी के फ्रॉड्स को रोकने के लिए था। तो वो आपको इतना सा याद रखना है कि चक्र जो है साइबर सिक्योरिटी से बचाएगा हमें, क्लियर। सीबीआई जो है उसको स्टैब्लिश कब किया गया था? 1963 में स्टैब्लिश किया गया था बाय द कमीशन ऑफ संथानम मीटी, ओके। देखिए, आप लोग सोचोगे मैं आप लोगों के साथ साथ क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि देखो जितने ज़्यादा सेंसेस हमारे एक्टिवेट होते हैं ना पढ़ते हुए, मैं डायरेक्टली इसको लिख के भी टाइप करके भी ला सकता था, बट मेरा ये मानना है कि जितने ज़्यादा सेंसेस आपके एक्टिवेट होंगे पढ़ते हुए, जल्दी आपको रिटेन होगा, ओके। तो आप भी ट्राई कीजिए मेरे साथ साथ नोट्स बनाने की, ओके। ये क्या है? एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्या है ये? नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। जिसकी पावर कहाँ से आती है? इसकी जो पावर आती है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, जो कि 1946 का है, इस एक्ट के थ्रू इसको पावर मिलती है। और ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, ठीक है। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, पब्लिक ग्रीवांसेज एंड पेंशन, इसके अंडर आता है। तो ये ध्यान रखना, बहुत से बच्चों को अगर ऑप्शन मिलता तो आंख बंद करके होम अफेयर्स लगाते, बट होम अफेयर्स में नहीं है बच्चों, ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल्स में है, ध्यान रखना। नेक्स्ट इज हरिमऊ शक्ति। ये किस किस के बीच में? इंडिया और मलेशिया के बीच में, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इंडिया की तरफ से कौन सी रेजिमेंट गई है? तो इंडिया की तरफ से राजपूत रेजिमेंट गई है, और बाकी मलेशिया की तरफ से जो भी आया हो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसका जो ये एडिशन हुआ है ये कहाँ पर हुआ है? ये इंडिया में हुआ है। और पिछले साल ये कहाँ पर हुआ था? लास्ट ईयर मलेशिया में हुआ था, ओके। लास्ट ईयर ये मलेशिया में हुआ था, इस साल ये कहाँ पर हुआ है? इंडिया में हुआ है। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आपको ध्यान रखनी होगी कि ये जो आपकी विंग्स होती है ना, मतलब ये जो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, बी इट सीबीआई, रिसर्च एनालिसिस विंग, रॉ एंड इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये सब आरटीआई के अंडर नहीं आती। और इसको दोबारा से बताया है किसने? दिल्ली हाई कोर्ट ने। अभी इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देखो एक सेक्शन 24 है, ठीक है, सेक्शन 24 ऑफ आरटीआई एक्ट, जो कि एम्पावर करता है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। टू रिमूव ऑल दीज सेंट्रल एजेंसीज फ्रॉम दी या अंडर दी एम्बिट ऑफ आरटीआई एक्ट, ताकि उन पे आरटीआई एक्ट के जो कानून है वो लागू ना हो। बेसिकली इनका वर्क जो होता है वो इंटेलिजेंस रिलेटेड होता है, और अगर वो इंटेलिजेंस ही शेयर कर देंगे तो फिर फ़ायदा क्या, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अभी तक टोटल कितनी एजेंसीज इसके अंडर हैं? टोटल 27 सेंट्रल एजेंसीज इसके अंदर है, ठीक है। जो भी इसमें हाल फिलहाल में, मतलब पिछले 5-6 सालों में रिसेंट जो इंडक्शन हुए हैं वो हो गया। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये हो गया CERT, साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, एक तो ये हुआ है, ठीक है। इससे जस्ट पहले DRDO हुआ था, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एजेंसीज हैं जो इसके अंडर आती हैं। बात कर लें IB की, ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1951 में इस्टेब्लिश हुई थी। इसके लिए जो कमेटी बनाई गई थी, हिमंता सिंघी कमेटी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ओके बच्चों, हिमंता सिंघवी कमेटी। अच्छा, अब ये जो IB है, अब ये किसके अंडर आता है? अगेन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, सोचो क्या होगा। अच्छा, इसमें आंख बंद करके लगा सकते हो होम अफेयर्स, ठीक है। इसमें सीबीआई वाला ट्रिक नहीं है, इसमें आप होम अफेयर्स लगा सकते हो। अच्छा, फर्स्ट जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड EU, ये आपको ध्यान रखना है। तो इंडिया और EU के बीच में पहली जॉइंट नेवल एक्सरसाइज आप बोल सकते हो। अच्छा, इसमें इंडिया की तरफ से तो इंडियन शिप्स गई थी, क्लियर। जो इंडियन शिप्स थी उसमें क्या थी मैं क्या बता देता हूँ आपको, आईएनएस सुमेधा, कौन सी शिप गई है, आईएनएस सुमेधा। और दूसरी तरफ जो है वहाँ पे फ्रेंच, इटालियन एंड स्पेनिश कंट्री है, यानी कि जो ईयू को रिप्रेजेंट करी थी, तो फ्रेंच, इटालियन एंड स्पेनिश कंट्री के जो डेलीगेट्स हैं वो आए हुए थे। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर स्टार्टअप की जब भी बात होती है तो आप सबको पता होगा स्टार्टअप का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी स्टार्टअप, या यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी स्टार्टअप जिसने अराउंड एंड अराउंड 1 बिलियन मार्क अचीव कर लिया हो। ठीक, कितना मार्क, 1 बिलियन का मार्क अचीव कर लिया हो। तो ध्यान रखना इंडिया 3rd रैंकिंग में आता है। ओके, और इंडिया में अभी टोटल ऐसे फिनटेक यूनिकॉर्न कितने हैं, टोटल 15 फिनटेक यूनिकॉर्न है इंडिया के पास, जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपका ज़ेरोदा, पेटीएम। तो ये कुछ आपके एग्जांपल हो गए अगर आपको कभी कोट करना हो। नेक्स्ट इज यांगोंग स्पेस स्टेशन। देखिए ये जो स्पेस स्टेशन है इसकी खासियत क्या है, सबसे पहले हम इसमें बात कर लेते हैं ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है, ये चाइना के द्वारा बनाया जा रहा है। और ये कब तक ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, ये ऑपरेशनलाइज हो जाएगा बाय 2028। ये आपको ध्यान रखना है, कब तक ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, 2028। अब ये न्यूज़ में क्यों आया, हाल फिलहाल में चाइना ने भेजा है वर्ल्ड यंगेस्ट क्रू, ठीक है, तो वर्ल्ड का यंगेस्ट क्रू बाय एज, ठीक है, उसको भेजा है कहाँ पर, अपना त्यांगोंग स्पेस स्टेशन पे वर्क करने। ओके, अच्छा इसमें कौन सी उसमें भेजा है इन्होंने स्पेसशिप में, तो उसका नाम याद रखना सेंजाओ 17, ठीक है, सेंजाओ 17 में भेजा गया है। इसमें जब आप बात करोगे तो इसमें आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को भी याद रखना है, ठीक है। कब इस्टेब्लिश हुआ था ये, 1998 में इस्टेब्लिश हुआ था, और 5 कंट्री इसमें मोस्टली जिन्होंने काम किया था, नासा, जाक्सा, रॉसकॉस्मोस, CSA, ई से तो समझ गए होंगे, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, CSA मतलब कैनेडियन स्पेस एजेंसी। ये आपको दोनों ध्यान रखने हैं जो कि इसके कौन थे, पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स थे। नेक्स्ट न्यूज इज़ अबाउट हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो कि एक बहुत लैंडमार्क फेस्टिवल होता है नागालैंड का, क्योंकि नागालैंड की जितनी भी नागा ट्राइब्स हैं, जितनी भी ट्राइब्स हैं नागालैंड की, वो सब इस हॉर्नबिल फेस्टिवल में टेक पार्ट करती हैं। अच्छा, नागालैंड को ही बोला जाता है लैंड ऑफ फेस्टिवल, तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाए। ओके, फिर जियो जो है, जियो का स्पेस, जियो ने लॉन्च किया है जियो स्पेस फाइबर, जो कि बनने जा रहा है इंडिया का पहला स्पेस बेस्ड या सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट प्रोवाइडर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, इसको बोला जाता है गीगाबिट सैटेलाइट के थ्रू दे रहा है। ऐसा ही कुछ वन कनेक्शन यानी कि एयरटेल वन कनेक्शन के साथ मिलके करने वाला था, बट जियो ने इसमें बाजी मार ली, तो पहला स्पेस फाइबर जियो लेके आ रहा है आपसे। ओके, जो FATF है उसने जो केमन आइलैंड है उसको रिमूव कर दिया है अपनी FATF ग्रे लिस्ट से। अब क्या होता है FATF की ग्रे लिस्ट, देखिए जो FATF होती है, ठीक है, ये बनाई गई थी G7 के द्वारा, ओके, ताकि टेरर फंडिंग को रोका जा सके। कब बनाया गया था, 1989 में। इसका मेन 2 काम होता है, एक तो मनी लॉन्ड्रिंग को चेक करना, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग तो नहीं हो रही, तो इन 2 चीज़ों को चेक करने के लिए मेन इसका क्या होता है, वर्क होता है। और अगर कोई भी कंट्री ऐसा लगता है कि टेरर फंडिंग कर रही है या मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, तो उसको वो पहले ग्रे लिस्ट में डालती है, फिर उसकी ब्लैक लिस्ट में डालती है। ओके, बात करें इंडिया की, तो इंडिया इसका एक फुल मेंबर है। और कब बनाता है इसका फुल मेंबर, इन 2010। मैं लिख देता हूँ, आप भी साथ साथ लिखते चलिए, इंडिया बिकेम फुल मेंबर। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। तो ग्रे लिस्ट की तो इतने आपको याद नहीं रखना, कौन आया कौन गया। हाँ, इसकी जो ब्लैक लिस्ट है उसके बारे में आपको याद ज़रूर रखना है। तो ब्लैक लिस्ट में कौन कौन है, सबसे पहला तो नॉर्थ कोरिया, ठीक है, दूसरा आता है ईरान, तीसरा आता है म्यांमार। ये तीन कंट्रीज हैं जो इसकी ब्लैक लिस्ट के अंडर अभी हैं। मेन मेन पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस कर दिए इसके। फिर नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आती है दैट इज काजिंड एक्सरसाइज। ये किस किस के बीच में हो रही है? इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में हो रही है। ओके, नेक्स्ट इज बैलेन डॉर अवार्ड। ये बैलेन डॉर अवार्ड दिया जाता है किन को दिया जाता है? फुटबॉलर्स को दिया जाता है। बेसिकली इसको फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड भी आप बोल सकते हैं। तो इस साल जो मेन कैटेगरी में जिन्होंने जीता है उनका नाम आई होप सब गैस कर ही गए होंगे, लियोनेल मेसी। तो विमेन कैटेगरी में जिन्होंने जीता है उनका नाम मैं आपको बना देता हूँ, आइटाना बोनमाटी। ठीक है, ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये स्पेन से बिलोंग करती हैं। बाकी लियोनेल मेसी के बारे में तो आपको पता ही होगा कहाँ से बिलोंग करते हैं, आई नो बताने की जरूरत, सब लोगों को वैसे ही पता होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों यहीं पर हमारे जो करंट अफेयर हैं वो ख़त्म होते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आए होंगे, आप लोगों ने एंजॉय करे होंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि इन करंट अफेयर्स में मुझे और भी कई सारी चीज़ें ऐड करनी चाहिए तो प्लीज़ डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। और अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि देखिए पढ़ोगे तभी बढ़ोगे, पढ़ाई के अलावा और कुछ आपके काम नहीं आने वाला। चलिए इसी बात पे, इस गुड नोट पे मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर कोई भी दिक्कत हो आपको तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के मुझे बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।